हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट फॉर सीयूटी पे। जल्दी से हम आ चुके हैं आप सभी के साथ इम्पोर्टेंट वीडियो में, और आज के सीरियल में डिस्कस करेंगे आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप जानते हो, सीयूटी 2020-23 का जो एग्जामिनेशन है अब बहुत ही पास है। बहुत ही पास का मतलब आप सभी के पास अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 days का टाइम बचा हुआ है। इस 40 से 45 days के टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी, जिस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका जो सीयूटी 2020-23 के रिगार्डिंग आपका जो सपना है किसी भी जिस भी ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने का, वो पूरा हो पाएगा। किस तरीके से प्रॉपर स्टडी करना है, ये सब कुछ देखेंगे माय डियर फ्रेंड इस वीडियो में। पर आगे बढ़े उससे पहले चैनल अभी अपडेट फॉर सीयूटी पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सभी कैंडिडेट पर शेयर कर दिएगा। चलिए फ्रेंड मूव ऑन करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप इस बार का जो सीयूटी 2020-23 जो होने वाला है उसको आप क्रैक करके जाओगे। देखिए, पहले सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेस्ट स्ट्रेटेजी प्लान क्या होना चाहिए आप सभी का। देखिए, मॉर्निंग में अब जब जैसे ही आप मॉर्निंग में वेकअप करो, वेकअप करने के बाद आप सभी को स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कुछ देर पहले, आपने देखा हो, जिसमें मैंने डिस्कस किया था आप सभी के लिए प्रॉपर क्या किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, इसको लेकर मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना दिया है। देखिए, सीयूटी के रिगार्डिंग हर एक वीडियो आपको अपने चैनल अभी अपडेट फॉर सीयूटी पे मिलने वाली है। तो जी हाँ, क्योंकि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि यहाँ पे सीयूटी की प्रिपरेशन आपको तो हमारी टीम करा ही रही है, साथ साथ आप सभी के लिए क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी, साथ साथ क्या क्या नई नई अपडेट्स आ रही है आप सबके एडमिशन के लेकर सीयूटी के थ्रू, तो ये सारी चीजें आपको अपने ही चैनल अभी अपडेट फॉर सीयूटी पे मिलने वाली है। साथ साथ इम्पॉर्टेंट पीडीएफ जो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, हर एक टॉपिक जो मैं आपके साथ यहाँ पर वीडियोस में डिस्कस करूंगा, अगर आप चाहोगे इम्पोर्टेंट पीडीएफ को नोट डाउनलोड करना या फिर कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट होंगे आप सबकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो इम्प्लीमेंटेशन होंगे हमारी नई नई चीजों, वो हम इम्पोर्टेंट पीडीएफ जो हम प्रोवाइड कराएंगे आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें होने वाली है। और ये जो चीजें होंगी आप सबको हमारे टेलीग्राम चैनल पे होंगी, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो चैनल के साथ बने रहिए, साथ साथ आप सभी के लिए हम इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं, साथ साथ हम लोगों ने इम्पोर्टेंट एक बैच स्टार्ट किया है, स्पेशल बैच होगा जो सीयूटी प्रिपरेशन 2020-23 के रिगार्डिंग है। तो उस जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिए फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी, आपके डेली का रूटीन क्या होने चाहिए इस 40 से 45 days का। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 40 से 45 days एक तरीके से अप्रोक्सीमेशन डेट माना है कि आप सभी के एग्जामिनेशन जो स्टार्ट होने का, जो अभी टेंटेटिव डेट जो एनटीए द्वारा रिलीज किया गया सीयूटी के लिए, वो है 20 मई से लास्ट मई या फिर जून के फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन, जो ये टेंटेटिव डेट्स अभी तक एनटीए द्वारा रिलीज की गई है। तो इससे पहले आप सभी का 40 से 45 days में क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए डेली का, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, पहले अगर बात करते हैं डेली, अगर आप क्या करिए, सबसे पहले लैंग्वेज पोर्शन को आप पिकअप करिए। लैंग्वेज पोर्शन कौन सा लैंग्वेज पोर्शन होगा सर? मैंने आपको बताया था जो सेक्शन आपका, जो फर्स्ट वाला जो सेक्शन है आपका, वो दो पार्ट में ब्रेक है आपका, 1A and 1B। 1A में और 1B में वो आपके स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के पोर्शन है। मोस्ट प्रोबेबली हम इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं तो ज्यादातर अदर स्टेट्स या फिर हमारे यूपी की बात करें या जिस भी स्टेट्स में बिलोंग करते हो, स्पेसिफिक लैंग्वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आप सभी के यहाँ पे पूछे जाएंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो या जिस भी स्पेसिफिक कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, आपका जो स्पेसिफिक कोर्स होगा उसमें आपका उस यूनिवर्सिटी ने क्या एक क्राइटेरिया फिक्स किया है, उसके बेसिस पे आपने अपने सेक्शन को चूज किया होगा। ओके माय डियर फ्रेंड, तो देखिए डेली आपको क्या करना है, पहले लैंग्वेज पोर्शन को पढ़ना है। लैंग्वेज पोर्शन मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बात करें इंग्लिश और हिंदी आप सभी कैंडिडेट ने ऑप्ट किया होगा, तो आप सभी डेली का डेली मॉर्निंग में चैप्टर वाइज इसको रिवाइज करना आप सभी तो करोगे ही करोगे, साथ साथ लेकिन हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो का एंड तक देखिएगा, बहुत ही खास वीडियो है। डोमेन सब्जेक्ट,
डोमेन सब्जेक्ट में क्या है, आपकी क्लास 12 की बुक्स जो आपने स्टडी किया है और क्या चाहिए स्टडी करना, क्योंकि अभी हाल ही में आपने बोर्ड एग्जामिनेशन को देकर आप बाहर निकले हो, तो आप सभी को क्या है जो टेक्स्ट बुक्स हैं आप सभी की प्रिपेयर आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से किया होगा एग्जामिनेशन से पहले, लेकिन उनको चैप्टर वाइज फिर से मकअप करिए और क्वेश्चन को लगाइए। क्वेश्चन लगाना इंपॉर्टेंट है डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड। एंड जनरल टेस्ट में आपको क्या आएगा इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स हो गया, डेली का करंट अफेयर्स आप सभी के लिए, जनरल अवेयरनेस ये और साथ रीजनिंग के पोर्शन, ये सारी चीजें आपको मॉर्निंग का जो टाइम होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस आप कर सकते हो, कि बहुत शार्प माइंड आप सभी का होगा मॉर्निंग में, तो आप सभी क्या करें चैप्टर कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करें। देन नेक्स्ट हमारा है डेली, आप सभी को मिड डे यानी कि आफ्टरनून के टाइम आपको क्या पढ़ना है, मेनली लैंग्वेज पोर्शन जितना भी आपने मॉर्निंग में स्टडी किया, डोमेन सब्जेक्ट्स जितना भी आपने स्टडी किया, जनरल टेस्ट से जो भी कुछ आपने स्टडी किया, इन सभी को क्या करिए अंडरस्टैंड, जितना भी आपने किया उसको आप स्पेसिफिक क्या करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए। क्या प्रैक्टिस करना हमारे फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस, और एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो हमारी टीम कॉल कराने वाली है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, स्पेसिफिक एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस है हमारी टीम आप सभी के लिए कराने वाली है, और स्पेसिफिक एमसीक्यूज जो आप सभी को दिया जाएगा हमारी टीम आपको, जो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो स्पेसिफिक एमसीक्यूज आप सभी को हमारी टीम आपको प्रोवाइड कराएगी अपने चैनल अभी अपडेट फॉर सीयूटी पे। जी हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम जब आपको प्रैक्टिस कराएंगे, साथ साथ आप सभी आपके पास ना अदर टेक्स्ट बुक अगर आपने परचेस की होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी क्या करिए जो भी आपने कॉन्सेप्ट मॉर्निंग में क्लियर किया उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट्स के आपको एमसीक्यू के प्रैक्टिस करनी है, लैंग्वेज पोर्शन हो गया, डोमेन सब्जेक्ट का पोर्शन हो गया, या फिर जनरल टेस्ट का पोर्शन हो गया। देन हमको डेली आपको इवनिंग में किस पे फोकस करना है, जो आप सभी का जो स्पेशलिफिक जो आप सभी का डोमेन सब्जेक्ट है यानी क्लास 12 जिससे आपने स्टडी किया है और जिस स्ट्रीम में आप चाहते हो एडमिशन आपका ग्रेजुएशन करना है जिस स्ट्रीम से, वो 2 आवर्स उस पे स्पेसिफिक दीजिए। 2 आवर्स स्पेसिफिक देने का मतलब क्या, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उस पर गो थ्रू करिए, साथ साथ आपकी जो वीक पार्ट है जो सेक्शन आपका वीक है डोमेन सब्जेक्ट्स में उस पर अलग से स्टडी करने के लिए बना दीजिए। आप डेली इस तरीके से अगर टाइम मैनेजमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपको इवनिंग का स्पेशल टाइम अपने निकालिए और इस पर फोकस करिए। मैं आवर्स आपको देख रहा, मॉर्निंग का सेक्शन आपको मैंने अलग से अलॉट किया है, आफ्टरनून का सेक्शन मैंने अलग से अलॉट किया है आपको एमसीक्यू के प्रैक्टिस का, और नाइट का पोर्शन मैंने फिर से अलग से दिया है आपको। इस नाइट में क्या करना है, एक बार स्पीड टेस्ट अपने स्पीड को जज करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करते हैं लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन के मिस्टेक्स हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है अपनी स्पीड को मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कोई क्वेश्चन छूटे ना। इसके लिए क्या करना होगा, डेली टू डेली आपको प्रैक्टिस करनी होगी, होल टेस्ट को लगाइए जिसमें आपका सेक्शन ए भी कवर हो जाए, सेक्शन बी भी यानी कि डोमेन सब्जेक्ट भी कवर हो जाए और साथ साथ जनरल टेस्ट भी कवर हो जाए, तो इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। साथ साथ टू ब्रिंग अ हैबिट टू गिव ऑनलाइन टेस्ट, ज्यादातर ऑनलाइन टेस्ट देने की प्रोग्रेस करिए, और ये ऑनलाइन टेस्ट जो होगा हमारी टीम और हमारे साथ आप जुड़ोगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग ऑनलाइन टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराएंगे सभी कैंडिडेट्स के लिए, तो जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, साथ साथ जो भी कैंडिडेट हमारे चैप्टर वाइज कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट आप सबको चैप्टर वाइज कंटेंट को पढ़ना, ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कराएगा, आपका टीम अभी अपडेट फॉर सीयूटी प्रोवाइड कराएगा। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं फॉर द सीयूटी प्रिपरेशन आप सभी जरूर चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप जिसका नेम अभी अपडेट फॉर सीयूटी है उसको ज्वाइन नहीं किया उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और बहुत सारी अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे आप डेफिनेटली आप 40 से 45 डे अगर इनको फॉलो करते हो, मॉर्निंग का टाइम आप सभी इस पर फोकस करिए, आपका आफ्टरनून का टाइम एमसीक्यू के प्रैक्टिस पे फोकस करिए, एंड स्पेशल टाइम आप दीजिए डोमेन सब्जेक्ट्स और वीक पार्ट पे, एंड लास्ट आप होल टेस्ट आप एक बार एक टेस्ट पर डे तो आप लगाइए, और आप इन सभी को फोकस करते हो नाइट में तो डेफिनेटली आपका जो ड्रीम है आपकी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में पहुंचने का ये सारी चीजें आप सभी को प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है मैडम फ्रेंड, तो फ्रेंड वीडियो में यहीं तक एंड करता हूँ, अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ स्टडी करते हो डेफिनेटली आप इस बार का सीयूटी एंट्रेंस क्लियर करोगे, और AIR1 यानी कि ऑल इंडिया रैंकर में आप स्टैंड करना चाहते हो तो आपका भी सपना पूरा हो सकता है। इसके लिए स्पेसिफिक स्टडी करना भी इंपॉर्टेंट है,
और क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ मैं अपनी जो स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करती है हमारी टीम। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है ऑनलाइन स्पेसिफिक क्लास में ज्वाइन करने के लिए, तो जरूर हमसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर करिए, साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ हम वहां पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। टेस्ट सीरीज को लगाना भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब कुछ आप सभी को मिलने जा रहा है। तो फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।